और यहाँ रेफरी कमाउदीन अंसारी की अगुवाई में दोनों ही टीमें मैदान पर। सुनहरे हरे रंग की जर्सी में एआरएमएस फाउंडेशन निर्वाचित टीम और नीले रंग की जर्सी में ओल्ड इज गोल्ड बांध गाड़ी की टीम। दर्शकों को बता दूं, नीले रंग की जर्सी में बांधगाड़ी टीम में जर्सी नंबर 17 में भारतीय टीम का अच्छा पास सुबह क्षण में ही मौका मिलता हुआ दिया गया पास। अच्छा कलेक्शन और गोलकीपर हर्ष कामत का। मौका बनाने की कोशिश कृपा आक्रमण काफी दूर से किया गया था लेकिन काफी दैनिक शोर से असैनिक शोर से ही आक्रमण बनाने की कोशिश क्रॉस करना चाहेंगे। अच्छा क्रॉस मौका बन सकता है लेकिन उतना ही परफेक्ट पोजिशन पर और क्या एक अच्छा मौका बन सकता था। अच्छा पास पहली जोर से फिर बात आक्रमण करता हुआ लेकिन वहां डिफेंडर मौजूद। काफी देर से किया गया प्रयास सीधे गोलकीपर की स्थिति उसके हाथों में। मौका बनाने की कोशिश लेकिन कोई साथी खिलाड़ी मौजूद नहीं। क्या सुनो फिर से खूबसूरत पास खतरनाक हो सकता है दाहिनी छोर से लेकिन गेंद गोल अच्छी की। अच्छा हेडर बन सकता था लेकिन थोड़ी दूर रह गए गेंद से और फिर गोल लगा। और अभी अभी हमारे मंच पर हाजिर हो रहे हैं हमारे इस टूर्नामेंट के संरक्षक हमारे अभिभावक कांके विधानसभा क्षेत्र के एमएलए निम्न शासी परिषद के सदस्य काफी दूर से लिया गया सीधे गोलकीपर के हाथों में। काफी दूर से लिया गया कि सीधे गोलकीपर अंकित कुजूर के हाथों में। छोड़ दे
बाई छोर से मौका बनाने की कोशिश, एक बार बंदगाड़ी की टीम, यही देखा यही देखा सन्नी मुंडा आपका संतुलन टीम के साथ। अगला जवाब पास बाई छोर पर, लेकिन उससे पहले डिफेंडर मौजूद पेलविन के पास गेम तेज गति से अंदर आना चाहते थे, लेकिन वहां डिफेंडर मौजूद। लंबी रिलीज हेमंत के पास गेंद, साथ ही पास अंदर आना चाहते हैं, गलत पास कर रहे थे, गोल पोजिशन गिरवा के पास बहुत ही उमदा पास, लेकिन एडवांस पोजिशन पर अनुभवी गोल के कारण बेताल के पास गेंद, जर्सी नंबर 10 बेताल साथी खिलाड़ी को ढूंढना चाह रहे थे, लेकिन फिर से एक मौका बनता हुआ अगर के लिए, बॉल पोजीशन लगातार अपने पास बनाए हुए इरवा की टीम, दूसरे दिया गया पास अच्छी रिसीव, बॉक्स के बिल्कुल अंदर, जैसे नंबर 7 खून कर मारना चाहते थे, लेकिन बॉल पे संतुलन नहीं और गेंद गोल लाइन से। रेफरी समाउद्दीन अंसारी की विसिल और मध्यांतर और ये मध्यांतर के बाद का खेल शुरू, महत्वपूर्ण मैच खेलते हैं रिम्स स्टेडियम में, ग्राउंड पास कॉर्नर लेकिन फायदा नहीं उठा पाए, मौका बनता हुआ इरवा के लिए अच्छा क्रॉस खतरनाक, लेकिन वहां गोलकीपर अंकित फिर से आए, अब काउंटर करते हुए बंगाल की टीम, जर्सी नंबर 12 सुंदर पास, बिल्कुल बॉक्स के अंदर आना चाहेंगे सूर्य तिर्की, साथी खिलाड़ी को पास दिया, अच्छा मौका बन सकता था सूर्य तिर्की, 17 नंबर जर्सी अंडर 16 भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, बहुत ही उम्दा पास काउंटर बनाना चाहती है बांगाड़ी की टीम, एलविन के पास गेंद, साथ ही खिलाड़ी बेताल को लाजवाब पास बाई छोर पर, अच्छा संतुलन बॉक्स के अंदर आना चाहते थे, लेकिन उतना ही अच्छा डिफेंडर लगा बराबर तो प्रैक्टिस लगा था, पेलविन के पास गेंद, अच्छी ड्रिबलिंग अच्छा कंट्रोल गेंद के साथ, सुनो वहीं खड़ा सुनो सुनो जा
पहले शॉट को मौका बनाने की कोशिश जस्सी नंबर 12 बहुत ही तेज गति से अंदर आना चाहते थे पोस्ट के अंदर, लेकिन डिफेंडर मौजूद गेंद तक पहुंच गए थे। फिर से एक मौका बनता हुआ एल्बा के लिए, लाजवाब ताल में सुंदर पास, लेकिन यहां से कंट्रोल नहीं कर पाए क्योंकि बोल पोजीशन में भी गजब का कॉल। सोनू नीचे बेटा, सोनू नीचे, सोनू नीचे। अच्छा दिशा परिवर्तन, सूर्या के लिए गेंद, हेमंत के पास गेंद, लेकिन गेंद से थोड़ी दूर रह गए, बेकार बॉल पोजीशन, अभी भी पानगाड़ी के पास क्रॉस करना चाहते हैं। अच्छा क्रॉस, अच्छा मौका बन सकता था, लेकिन वहां अमर मौजूद जर्सी नंबर 20 के दाहिनी छोर से मौका बनता हुआ, लेकिन डिफेंडर मौजूद बिल्कुल पैरों के नीचे से बॉल निकाल लिया था। बहुत अच्छा बेटा, सुंदर पास, कोई मौका नहीं देना चाहते इस बार के खिलाड़ी, लाजवाब फुटबॉल। दाहिनी छोर से मौका बनाते हुए इस बार की टीम जर्सी नंबर 9 क्रॉस करना चाहते थे, कुछ साथी खिलाड़ी मौजूद हैं, बहुत साथी खिलाड़ी जमीन को पास किया, दाहिनी छोर से मौका बनाने की कोशिश, जर्सी नंबर 17 सूर्या के पास गेंद, लाजवाब पास, और यहां एक बहुत ही खतरनाक टैकल, और यहां चेतावनी स्वरूप रेफरी पैरों के नीचे से गेंद निकाल लिया युवा के खिलाड़ी ने, लेकिन खुद भी नियंत्रण नहीं रख पाए गेंद पर, विपक्षी डिफेंडर के पास गेंद, लंबा गोबे लंबा, दूर से ढूंढना चाह रहे थे साथी खिलाड़ी को, दोनों ही टीमें लंबी लंबी पास, एक बार जर्सी नंबर 13 पांच छोड़ कर ला दे वापस, पोस्ट के अंदर आना चाहते थे, एक मौका बना था शूट के लिए, बहुत ही अच्छा दाहिनी छोर पर गेंद दिया है, अच्छा है डिफेंडर के द्वारा, बाकी पॉइंट छोड़ से मौका बनाने की कोशिश, बेताल गेंद के साथ, अच्छा कॉल, अच्छा पास, लेकिन डिफेंडर मौजूद, दाहिनी छोर पर बेताल के लिए दिया गया पास, और यहां थोड़े से बिखरे डिफेंडर, लेकिन सुरक्षित गेंद हर्ष के हाथों में, वापस बुलाया है टीम प्रबंधन ने, उनका स्थान ले रहे हैं जर्सी नंबर 16
अनमोल और जर्सी नंबर 2 का स्थान ले रहे हैं जर्सी नंबर 15 अच्छा हेडर निश्चित गोल में बचाया है डिफेंडर ने और यहाँ रेफरी सोनी अंसारी की विजिट और जबरदस्त मुकाबले बार को छूती हुई गेंद जाल से जमी गोलकीपर अर्श के पास कोई मौका नहीं मिला और अब अगले किक के लिए इन बातें कैप्टन अमित खल को असम में अनुभवी गोलकीपर और अपने टीम के कैप्टन संदीप कुजूर कर चुके थे लेकिन काफी तेजी से निकल रही गेंद
दायरे छोर पर एलविन जैसे नंबर आज अगले टाइजर कप के लिए अर्श अहमद के पास अभी भी मौके हैं अपनी टीम को बराबरी बनाने का। बूम